एक बार एक बड़े से तालाब के किनारे के पास एक पोखर में एक मेंढक का परिवार रहता था। उस परिवार में एक मेंढकी और उसके छोटे छोटे मेंढक बच्चे रहते थे। दिन भर खूब खाना पीना और मजे करना ये उस मेंढकी का पसंदीदा काम था, जिससे वो दिन ब दिन आकार से बहुत बड़ी हो रही थी। अपने आकार पर मेंढकी को बहुत घमंड था। उस मेंढकी के बच्चे बड़े ही नटखट थे। सारा दिन अपने घर के बाहर अलग अलग तरह के खेल खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उस पोखर के आसपास और दूसरे जीव न होने के कारण उन नन्हे मेंढकों को मेंढकी ही सबसे बड़ी लगती थी। वो मेंढकी भी अपनी महानता दिखाने के लिए बच्चे जो भी करने को कहते वो बड़ी आसानी से करके दिखाती थी। बच्चे बहुत खुश हो जाते। एक बार एक नन्हे मेंढक ने मेंढकी से पूछा, माँ तुम इतने सारे कठिन काम इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो? अरे क्या तुम नहीं जानते, हमारी माँ ही सबसे बड़ी और शक्तिशाली है। माँ क्या सचमुच तुम्हारे जैसा बड़ा और कोई नहीं? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, लेकिन जो काम मैं कर सकती हूँ वो काम तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। इसलिए अब जाओ और खेलो। और वो बच्चे रोज की तरह घर के बाहर खेलने लगे। हर रोज उसी जगह खेलने से मेंढकी के वो बच्चे ऊब चुके थे। एक दिन एक नन्हे मेंढक ने मेंढकी के पास आकर पूछा, माँ क्या आज हम थोड़ा दूर उस खेत के पास खेलने जाएं? हमें रोज रोज एक ही जगह खेलने में अब मजा नहीं आ रहा है। ठीक है जाओ, लेकिन बहुत दूर नहीं जाना और जल्दी वापस आना और एक दूसरे का ध्यान रखना। मेंढकी से अनुमति मिलने पर वो छोटे मेंढक खुशी से झूम उठे और उछल कूद करते हुए एक साथ खेलने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वो नन्हे मेंढक एक बड़े से खेत के पास जा पहुँचे। वहाँ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और रंग बिरंगी फूल देखकर वो बहुत खुश हुए और अलग अलग तरह के खेल खेलने लगे। उन नन्हे मेंढकों में से एक मेंढक खेलते खेलते थोड़ा और दूर चला गया। वो अपनी मस्ती में खेल रहा था और तभी उस छोटे से मेंढक ने देखा एक बहुत बड़ा बैल। उस विशाल काय बैल को देखकर उस छोटे से मेंढक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी हुंकार से वो बहुत डर गया। उस बड़े से बैल को देखकर वो नन्हा मेंढक बहुत डरा हुआ था। वो कंपकपाते हुए अपने छोटे साथी मेंढकों को उस बैल के बारे में बताने लगा। सुनो भाइयों, देखो देखो वहाँ मैंने क्या देखा। क्या देखा और तुम इतना डरे हुए क्यों हो? मत पूछो, लगता है जैसे मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। वो वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा जानवर देखा। वो बहुत बड़ा और शक्तिशाली है। उस छोटे से मेंढक की बात सुनकर बाकी सारे मेंढक भाई उस पर हंसने लगे। भाइयों ये हमें मूर्ख बना रहा है। नहीं नहीं मेरा विश्वास करो, वो जानवर सचमुच बहुत बड़ा है। अगर विश्वास ना हो तो आप सब लोग अपने आँखों से देखो, वो देखो वहाँ। उस बड़े से बैल की हुंकार से सारे मेंढक बहुत डर गए और तुरंत भागते हुए घर वापस आ गए। डरे सहमे वो बच्चे मेंढकी से बिलख कर रोने लगे। अरे अरे क्या हुआ, शांत हो जाओ शांत हो जाओ मेरे बच्चों, और बताओ क्या हुआ? माँ माँ आज हमने ना वहाँ उधर एक बहुत बड़ा जानवर देखा। हाँ माँ
एक बहुत बड़ा जानवर देखा। वो बहुत शक्तिशाली था, बड़ी बड़ी आंखें, सिर के ऊपर दो दो बड़े बड़े सिंग और उसके गले में एक बड़ी सी चीज लटक रही थी। वो जानवर हमें देखकर गुस्से से जोर से डरकाने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इतना डरने की क्या बात है? वो मुझसे बड़ा तो नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं माँ, वो जानवर तो आपसे भी बड़ा था, बहुत बड़ा। मुझसे भी बड़ा हो ही नहीं सकता। हमारी बात का विश्वास करो माँ, वो सचमुच आपसे भी बहुत बड़ा था। कितना बड़ा? इतना बड़ा। बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे भी और बड़ी हो सकती हूँ। इस विश्व में मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। ठहरो, मैं अभी दिखाती हूँ। अब बताओ, क्या वो जानवर इतना बड़ा था? नहीं माँ, और बड़ा, इससे भी बड़ा। ये देखो, क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, वो तो और भी बहुत बड़ा था माँ। ठीक है, ये तो बस एक नमूना भर था। अब मैं तुम सबको मेरा विशाल रूप दिखाऊंगी। वो देखने के बाद तुम सबको विश्वास हो जाएगा कि मैं ही सबसे बड़ी और शक्तिशाली हूँ। अपने से भी कोई बड़ा हो सकता है, ये मेंढकी मानने को तैयार न थी। उस मेंढकी का अहंकार अब सातवें आसमान पर था। उस अहंकार वश उसने अपना विवेक खो दिया था। वो मेंढकी अपना शरीर और फुलाती चली गई और फिर शांत हो जाओ मेरे नन्हे दोस्तों और अपने आप को संभालो। देखो ना, हमारे माँ को क्या हुआ? मैंने सब देखा, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। लेकिन हमारी माँ तो बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, फिर ये सब कैसे हुआ? दोस्तों, मेंढकी बड़ी नहीं थी, उसका अहंकार बहुत बड़ा था। वो समझती थी कि इस विश्व में उससे बड़ा और कोई नहीं है। जब हमारे सिर के ऊपर घमंड सवार होता है, तब हमें योग्य अयोग्य की समझ नहीं रहती और हम अनुचित तुलना करने लगते हैं। यही मेंढकी के मृत्यु का कारण बना। हम समझ गए, अपने स्वयं की योग्यता जाने बिना अगर किसी के साथ तुलना करोगे तो अनर्थ ही होगा।